तरह में इंडिया के सबसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टाटा स्टील स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 4th एडिशन 2024। तो इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस होती हैं? मेरे हिसाब से चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि ये 4th एडिशन है हमारा, और इस एडिशन में हमारे पास तकरीबन 300 से ज्यादा एथलीट्स यहाँ पे है जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन में सहभाग लिया है। तो इतने बड़े तादाद में अगर एथलीट्स है तो वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज वो है। और अनलाइक अदर इवेंट्स इसमें कैटेगरीज भी सारी है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। सर, आपको लगता है कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के फील्ड में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इसमें भी कौन कौन सी चैलेंजेस बाकी हैं हमें देखने के लिए? अगर हम पूरे एज अ कंट्री इंडिया की बात करेंगे तो इम्प्रूव तो हुआ है, क्योंकि मैं खुद इस स्पोर्ट से 96 से जुड़ा हूँ। एज एथलीट पहले मैं जुड़ा था, और बाद में मैं ऑफिशियल करके इस खेल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम देख रहे हैं कि काफी जगह पे भी नए क्लाइंबिंग वॉल्स आ रहे हैं, स्कूलों में वॉल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट है। और जैसे ही ये स्पोर्ट एक्चुअली टोक्यो में आ गया ओलंपिक्स में, उसके बाद तो अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ चुकी है। सर, इंडिया में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के फील्ड में जितने भी नए खिलाड़ी को लाना है हमें फ्यूचर में, उसके लिए अब तक कौन कौन सी प्लानिंग हमने आजमाई है? मुझे लगता है कि अगर हमें नए एथलीट चाहिए तो हमारे पास एक बड़ा ग्राउंड बेस होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास 5-10 लाख एथलीट होने चाहिए, और जिसमें से हमें कोई एक ओलंपिक विनर मिल जाए। तो मुझे लगता है कि हमें ग्राउंड लेवल पे नंबर ऑफ एथलीट्स बढ़ाने होंगे, और उसके लिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह पे हमें कोई एक एफर्ट लेके वॉल्स ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए, इस हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा। सर, टीम इंडिया की ओलंपिक की लेकर क्या प्लानिंग है, और हम ओलंपिक में मेडल कब लाने वाले हैं? मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट, और झूठ मूठ का बोलने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2028 जो है आने वाला ओलंपिक, मतलब पेरिस में 2024 में होगा, लेकिन उस वाले ओलंपिक में कोई इंडियन को अभी तक प्लेस नहीं मिली है। और जो मुझे लगता है कि नियरेस्ट जो कॉम्पिटिशन है वो 2028 की है, तो 28 में चांसेस है, होपफुली है कि कुछ आ सकता है। सर, एज अ जूरी प्रेसिडेंट, आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि किसी भी बड़े कंपटीशन में सेफ्टी और फेयर रिजल्ट कैसे आप बैलेंस करते हैं इन चीजों को? वो तो बैलेंस होना ही पड़ता है, अगर वो बैलेंस नहीं करेंगे तो कंपटीशन में मतलब ही नहीं रहा कुछ। तो हम ये करते हैं कि कितने एथलीट्स है और राउंड्स कैसे है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं।